हृदय हादसे के लिए बीते 2 दिनों में राज्य सरकार ने काफी गंभीर कदम उठाए और इसी के कारण से मैं मान के चलता हूं कि जितना भीषण हादसा था, जिस हादसे में कई गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन सरकार की सजगता के कारण से हमने उसको, इसकी गंभीरता भयावहता को समझते हुए, जैसी जानकारी आई इमीडिएट कैबिनेट के समय हमने एक मीटिंग बना करके, जैसे कि आप सबको जानकारी, एक मंत्री के साथ 2 अधिकारी भेज करके राव उदय प्रताप सिंह जी को तुरंत भेजा था। इमीडिएट सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए घायलों को ला करके इंदौर, दर्दापुरम, भोपाल या जहां नजदीक की चिकित्सा सुविधा हो सकती है वहां प्रबंधन किए गए थे। इसी के साथ साथ जो आग की विभीषिका थी उसको कंट्रोल करने के लिए वहां तो लिमिटेड हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, लेकिन आसपास के भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और सारणी तक से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुला करके आग को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ घायलों को लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए एम्बुलेंस 50 से ज्यादा भेजी गई थी। लगभग सब प्रकार के 150 से ज्यादा गाड़ियों का एक तरह से वहाँ प्रबंधन किया गया, जिसमें सब प्रकार के लोग इमीडिएट आ जाए और घायलों का जहाँ पहुंचने वाले थे वहाँ पहले अलर्ट कर दिया गया और संबंधित डॉक्टरों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम और वहाँ व्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए पुलिस प्रबंधन के लिए 400 जवानों को अलग से तुरंत हरदा पहुंचाया गया था। ये जब हम प्रबंधन कर रहे थे, इस प्रबंधन में हमने मानवीयता का पक्ष भी रखा कि इसमें दो तरह से काम होना चाहिए, घायलों का तुरंत इलाज होना चाहिए और जहां जिनके कोई का प्राणांत हुआ है उस परिवार को यथायोग्य जल्दी से उनको इसकी साल संभाल करने के लिए, बताने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए एक टीम अलग बनाई थी। मैं इसी के साथ साथ समान रूप से उसी दिन शाम को एक आपात बैठक बोले जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी भी फैक्ट्रियां चल रही है, इन फैक्ट्रियों की सर्चिंग कराना, उनको जानकारी लाना और उन पे भी जो नियम के हिसाब से अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो कठोर कार्रवाई करना। यही कारण होगा कि 2 दिन के अंदर ही हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सारी फैक्ट्रियों में जहां जहां भी लगा कि गलतियां हो रही वहां उनमें कार्रवाई कर दी है और भविष्य की दृष्टि से भी जिला कलेक्टर को ताकीद किया गया है कि किसी के क्षेत्र में अगर ये कुछ पाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे इस बात का भी यद्यपि दुख है कि ये घटना जैसी हुई है ये होना नहीं चाहिए, लेकिन घटना के बाद प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई, लेकिन फिर भी अगर किसी की गलती होगी इसलिए एसपी कलेक्टर को भी हमने वहां से हटाया और एक जांच टीम का गठन किया है कि अगर किसी की गलती किसी स्तर की भी होगी हमको उसको छोड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसको दंड देंगे और आने वाले समय में घटना दोबारा ना हो पाए इसके प्रबंधन भी कर रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं को लेकर बढ़ावा देने के लिए भी हमने अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आगे प्लानिंग की है, साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस की भी प्लान किया है कि एयर एम्बुलेंस ला करके ऐसी घटना अगर होती है तो नजदीक के हॉस्पिटल में, जो दूरी के कारण किसी के अगर कोई कष्ट बढ़ते हैं या प्राण जाते हैं तो वो बहुत दुखद होता है, इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का भी हमने प्लान किया है कि हर हालत में हर मरीज को जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी सरकार वहां सहायता करते दिखाई देना चाहिए। ये मानवता के लिए उचित है और सरकार के लिए भी उचित है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार इन सारे मामलों में इतनी गंभीर है और यही कारण है कि हमने कहा कि किसी भी हालत में दोषियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए विपक्ष ने स्थगन लाए तो हमने तुरंत स्वीकृति दी, कहा अगर हमने काम किया है तो हमको स्थगन में जवाब देने में हमको कोई गुरेज नहीं है। और रही बात जांच को लेकर के, तो निश्चित रूप से जांच निष्पक्ष होगी और पूर्णतया सबके गले उतरेगी और कार्रवाई भी उसी प्रकार से होगी, जिसकी किसी की गलती हुई उसको छोड़ेंगे नहीं।